अभी आपके सामने ये दो टायर्स है जिसमें कि ये सीएट ब्रांड का है और ये ट्यूबलेस टायर है। इसका नंबर, इसका जो साइज है गाइस, पीछे का ये टायर हुआ और ये आगे का टायर हुआ। ये आगे का है और ये पीछे का है। पीछे वाला जो टायर है 80/118 का टायर है। यहाँ पे देखो 80/118/54 ply का टायर होता है और ये ट्यूबलेस में है। यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मैक्स स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसका जो मॉडल नंबर है गाइस, सिक्योरा जूम प्लस है। सिक्योरा जूम प्लस का जो गोटी डिजाइन आता है, कुछ इस तरीके से साइड कटा हुआ आता है। और आगे की अगर टायर आप देखेंगे तो आगे का टायर जो है ये बीच में से दो कट बना हुआ है, लंबाई पूरा, और ये साइड से ऐसे कट दिया हुआ है। ये दोनों जो गोटियाँ हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इस बाइक में पहले से भी यही गोटियाँ लग के आई थी, जिसमें कि वो MRF कंपनी का था। और अभी हम इसी बाइक में लगाने वाले, ये होंडा शाइन 125 cc है। पीछे जो है 80/118/54 ply का लगता है और आगे जो है 80/118/47 ply का लगता है। तो चलिए आपको बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा टायर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि बड़ी गोटी साइज का टायर लगाते हैं। तो दोनों में आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं आपको और भी एक टायर दिखाता हूँ। कुछ भाई लोग पसंद करते हैं कि मैं ऐसे टायर्स लगाऊँ। ये देखिए, ये जो टायर्स देख रहे हैं गाइस, ये भी ये 317, ये पीछे का टायर सीएट का है, ठीक है। ये तो कुछ भाई लोग जो है इस तरह की गोटियां वाला टायर लगाते हैं। तो आपको बता दें दोनों में आपको क्या अंतर पड़ेगा। जैसे कि ये जो बड़ा गोटी देखते हैं ना, इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कील चुभने का चांस रहता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कील जो है फंसता है, इसमें कील कम फंसता है। लेकिन आपको बता दें दोनों में कितना अंतर होता है। देखिए, इसमें कील फंसता है मैं मानता हूँ, लेकिन इसके मुकाबले में टायर टिकता है ज़्यादा यही, ठीक है। अगर इस पर कील चुभ रहा है, कील दो चार बार लग गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या है कि मतलब ट्यूब लगा के भी चला सकते हैं और इसकी जो गोटी है जल्दी से नहीं घिसता है। और इसका गोटी जल्दी से घिस जाता है, साइड में जो कट देख रहे हैं मानता हूँ, लेकिन बीच का धीरे धीरे अगर घिस गया तो ये फिर उतना दिन तक नहीं चलेगा, जल्दी से आप लोगों को बदलवाना हो जाता है। दोनों में अंतर गाइस यही है कि इसका गोटी होने की वजह से ये ज़्यादा दिन तक चलेगी और इसमें गोटी कम होने की वजह से ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन माइलेज की अगर बात किया जाए और गाड़ी की बैलेंस की अगर बात किया जाए, तो माइलेज और बैलेंस ज़्यादा इसी टायर में मिलेगी। तो कंपनी आखिर ऐसे टायर्स को क्यों लगा कर देते हैं? वो इसलिए लगा कर देते हैं कि बाइक चलाने में बिल्कुल अच्छा लगता है, गाड़ी जो है बबलिंग वगैरह नहीं करती है इस टायर की वजह से, और इसके साथ ही माइलेज भी बेहतर बना हुआ होता है। कंपनी ये नहीं देखते हैं कि कौन सा टायर ज़्यादा पंचर होगा, कौन सा टायर ज़्यादा पंचर नहीं होगा। पंचर को लेकर वो नहीं चलते हैं, ज़्यादातर जो चलते हैं वो माइलेज को लेकर और गाड़ी के चाल को लेकर, कि चाल भी बेहतर हो। तो आपसे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी टायर्स ट्यूबलेस अगर लगवाना हो तो आपको इस तरह की गोटियाँ में से लगवाना है, ठीक है। तो ये अभी हम पीछे वाले टायर पीछे लगाएंगे और आगे वाला टायर आगे लगाएंगे। और इस बाइक का पहली बार टायर चेंज हो रही है। देखिए ये गाड़ी कितनी बार, कितना किलोमीटर चल चुकी है। देखिए 31,000 किलोमीटर, कभी अगर मीटर बंद हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 32-35 चला होगा है। तो 31,000 किलोमीटर में जो है दोनों टायर्स इसका हम चेंज कर रहे हैं। तो पुराना टायर देखिए कैसा है, ये देखिए ये पुराना टायर है इसका, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है ना। आगे वाला टायर का अगर गोटी देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल अभी ठीक है चलेगा, और पीछे वाला जो टायर का गोटी है ये पूरा ख़त्म हो गया है। अब कुछ भाई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि आगे टायर को पीछे कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें ये गलत होता है। अगर आगे टायर पीछे लगाएंगे तो इसका जो प्लाय है वो कम हो जाएगा। ये 47 ply का ही होता है, इसकी जो चौड़ाई है और मोटाई जो होता है वो कम होता है और इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये 54 ply का होता है गाइस। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आगे टायर पीछे करेंगे, पीछे टायर आगे करेंगे। ये सब आपको ट्यूबलेस या फिर कोई भी ट्यूब ही टायर क्यों ना हो तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है कुछ दिन के लिए ट्यूब लगा के चलाया था इन्होंने, तो अब हमें क्या करना है, ट्यूबलेस टायर लगाना है। तो इसमें अब एक बल्ब डालेंगे और ये बल्ब होता है, ये देखिए ट्यूबलेस टायर आखिर काम कैसे करता है। देखिए गाइस ये जो बल्ब देख रहे हैं, इसमें रबड़ होता है, रबड़ पूरा पार्ट रबड़ का होता है, और इसको इस तरीके से अंदर डालते हैं। ये जो गड्ढा वाला पार्ट देख रहे हैं, ये गड्ढा, ये डायरेक्ट इस रिम में आके फंस जाता है नीचे जब निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि एयर मतलब लीकेज नहीं होता है, ये एयर को ब्लॉक कर दिया
इसके साथ ही जब हम टायर लगाएंगे तो टायर क्या करता है, टायर जो होता है ये टायर दोनों तरफ इस तरीके से बैठ जाता है किनार, क्योंकि एयर कहीं से भी निकलने का चांस नहीं रहता है। और इसी हालात में अगर पंचर हो जाता है, कोई भी कील चूक जाता है, तो वो कील में जब सुराख होगी तो ये एयर जो है टायर का वो बाहर निकलने लगता है। इसी को हम लोग ट्यूबलेस टायर बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्यूब नहीं लगता है सिर्फ इसके वजह से, ये जब हम लगाते हैं तो यहाँ से जरा सा भी कोई एयर नहीं निकलता है, इसी वजह से ट्यूबलेस टायर बिना ट्यूब का ही काम कर जाता है। ठीक है, तो चलिए हमें इतना ही बताना था कि टायर से आपको कौन सा लगाना चाहिए और ट्यूबलेस टायर किस तरीके से काम करता है। वैसे अगर इस तरह के टायर से अगर लेते हैं मार्केट में तो 3000 तक में आपको दोनों टायर्स आपको मिल जाएगी अगर ट्यूबलेस टायर लेंगे सीएट ब्रांड का। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ कासिम मटो, झारखंड गोडा जिला के नरेनी से। थैंक यू।